नमस्कार प्रणाम। आज मैं बात करूंगा उपवास के बारे में। उपवास किस तरह से हमारे लिए औषधि बन जाता है। मैंने अपने ही कई वीडियोस में उपवास को नंबर एक की औषधि बताया है। ये किस तरह से कार्य करता है और इसकी महत्वता क्या है हमारे लिए और कैसे जो है हमें उपवास करना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सभी बातें मैं अनुभव सहित बता रहा हूँ आपको। वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनियों ने उपवास के बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं आपको अनुभव सहित बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ ले चुका हूँ। उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि उपवास क्यों करना चाहिए। इसके ज़रिए मैंने अपनी कई प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को ठीक किया है, जिस वजह से मैं इसे बारीकी से समझता हूँ कि उपवास कैसे काम करता है। आज की तारीख में हम सभी लोग निरंतर भोजन कर रहे हैं, निरंतर खा रहे हैं। भगवान की कृपा से सबके पास खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि तीन बार भोजन के अलावा दो दो तीन तीन बार स्नैकिंग्स करते रहते हैं, स्नैक्स खाते रहते हैं। ऐसे में शरीर को वक्त कब मिलेगा बाकी दूसरे कार्य करने को? मेरे अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो उसे खाना ही दो बार चाहिए, केवल दो बार। यदि कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है, यदि कोई शारीरिक श्रम वाला कार्य नहीं कर रहा है तो उसे भोजन करना ही दो बार चाहिए, यदि किसी को निरोगी रहना है तो जीवन भर। और यदि कोई परिश्रम का वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन शारीरिक बल वाला कार्य कर रहा है तो वो तीन बार खा सकता है। अब भोजन तो दो ही बार करना चाहिए, स्नैकिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो भोजन भी तीन बार हो रहा है और स्नैकिंग्स भी हो रही है। हमारे शरीर में निरंतर टूट फूट चल रही है, हार्मोन को भी सुव्यवस्थित करना पड़ता है और हार्मोन जो है शरीर हमारा व्यवस्थित करता है रात में जब आप सो रहे होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति का डाइजेशन खराब हो जाता है उसका थायराइड भी हिल जाता है, उसे शुगर की भी समस्या हो जाती है जिसका डाइजेशन खराब होता है। क्यों मैं कहता हूँ कि सभी बीमारियाँ पेट से ही उत्पन्न होती है, तकरीबन 90%। तो इसलिए जो है शरीर को वक्त मिले, टाइम मिले, इसे खाली रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन याद करें, जब आप प्रॉब्लम्स में हैं, समस्याओं में हैं, इसी दौरान आपने शरीर को कितना खाली रखा है? जिसे गैस है वो इसलिए भोजन कर रहा है कि खाली पेट गैस बनती है। समाधान ये नहीं है कि खाली पेट गैस बन रही है, खाली पेट गैस बनती ही नहीं है। उसके पीछे जाइए कि गैस बन ही क्यों रही है। गैस नहीं बनती है, आप ज़ीरो गैस को अचीव कर सकते हैं, ज़ीरो गैस, कोई गैस नहीं, गैस कहीं नहीं है, आपके पेट में जमा हुआ गंदगी और भोजन में ही गैस है, उसी से गैस बनती है। और आप कहते हैं कि खाली पेट गैस बनती है। एसिड भी खाली पेट बनता है,
जिसका गैस एसिडिटी हिल जाए तो दोनों ही खाली पेट गैस एसिडिटी बनने लगता है। अब ऐसा व्यक्ति उपवास करे कैसे, इसीलिए पूरा सिस्टमेटिकली बताऊंगा कि कैसे उपवास करें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये लोग तो कर ही नहीं पाएंगे जिनको गैस एसिडिटी है, जिनको शुगर की समस्या, जो गोलियां ले रहे हैं वो भी उपवास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ खा के ही गोली खानी पड़ती है। जिसको थायराइड है उसको भी सुबह उठते ही गोली लेनी पड़ती है। सब लोग गोलियों पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो जड़ है वहाँ पे नहीं जाते हैं। ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इन चीज़ों को मैं अचीव कर चुका हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी इन जो चार बीमारियां मैंने बोली है ना, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन थायराइड और शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी लगा लो साथ में, ज़्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं चीज़ों से ग्रसित है और उसके मूल जड़ में तो जाते ही नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, एक उदाहरण ले लीजिए, किसी को गैस एसिडिटी हो रही है तो वो कह रहा है खाली पेट गैस बनती है, खाली पेट गैस नहीं बनती है। उसके और पीछे जाइए, गैस बनने का मूल कारण अभी अभी मैंने आपको बताया। इस पे एक रिसर्च भी हो चुकी है और उस पे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उपवास पर ही इसको ऑटोफेजी का नाम दिया गया है। समस्या हमारी ये है कि जब कोई अंग्रेज वही बात बोल देता है तो हम उसे अपना लेते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो वर्षों से कहते आ रहे हैं और इसीलिए किसी ना किसी माध्यम से हमारे जो है रिलीजन में डाल दिया है ताकि लोग उपवास करें। ऑटोफेजी में उन्होंने जो रिसर्च किया बताया कि जो पुराने सेल है वो बॉडी में जमा हो जाते हैं, लेकिन जब उपवास करते हैं तो जो बाकी के भक्षी सेल्स होते हैं वो उन्हें खा जाते हैं और इस तरह से बॉडी की क्लिंजिंग हो जाती है, शरीर की सफाई हो जाती है। वही तो आप नहीं कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो डाइट है जो मैं बता रहा हूँ पिछले 2.5 वर्षों से, वो आधारित ही क्लिंजिंग पे है। क्लिंजिंग क्लिंजिंग क्लिंजिंग, बस सफाई आप करते हैं और बीमारी गायब। वही तो होता है जब आप डाइट चेंज करते हैं, सुपाच्य भोजन करते हैं, जल्दी से पच जाता है और वही चीज़ फल और सब्जियां पूरी बॉडी में ट्रेवल करके उसको साफ़ कर देती हैं। एनीमा करते हैं उससे कॉलन साफ़ हो जाता है, और है क्या चीज़ इसमें, सफाई ही तो है। और यहाँ भी सफाई की ही बात हो रही है, ऑटोफेजी जिसका नाम दिया गया। कैंसर तक जैसी बीमारियों को क्योर किया है लोगों ने इसी के जरिए, उपवास से ही, फास्टिंग से ही। सोचिए कैंसर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स जो है कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। एक तरह का यूं कह सकते हैं ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं। हार्मोन चीज़ों को नियंत्रित करता है कि कितनी मात्रा में करना है। आपका अभी थायराइड अगर इम्बैलेंस हो जाए तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगी या बिल्कुल ही नहीं लगेगी, और भूख ज़्यादा लगेगी नहीं लगेगी तो भी आपका पूरा डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नहीं लगेगा तो आपका खाना ही नहीं पचेगा, बिना भूख के आप खाएंगे तो।
इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो शरीर उसको सुव्यवस्थित करता है, शरीर को वक्त मिल जाता है और उसे सही करता है, करेक्ट करता है। सब कुछ भगवान ने इसी के भीतर डाला हुआ है, गलत को सही करने का, जो आप यूँ कह लीजिए ईश्वर ने डॉक्टर इसके भीतर ही बैठा रखा है। लेकिन उस डॉक्टर को आप मौका देंगे तब ना, आप तो डालते ही रहते हैं। चलिए उपवास करने का सही तरीका क्या है उसको जान लेते हैं। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति उपवास कर सकता है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो जिस मर्जी किसी प्रॉब्लम में है, अगर आपकी आंतों में मल जमा हुआ है और उपवास कर रहे हैं तो गैस एसिडिटी बनना तय है। इसलिए नंबर एक पे आपको एनीमा करना बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी कॉलन की सफाई हो सके। और उसके बाद आप एक ग्रीन जूस लीजिए कोई भी, जैसे कि मैं दो प्रकार की ग्रीन जूस बताता हूँ। पालक टमाटर का आधा गुच्छी पालक, एक टमाटर, उसको ग्राइंड करके एक गिलास पानी डाल के छान के पी जाओ। या फिर एक करेला लो, दो तीन करेले लो, फाड़ो, बीज निकालो, छोटा छोटा काटो, मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो, आधा गिलास पानी डालो, एक गिलास पानी डालो, छानो, पी जाओ। क्या करेगा ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की सफाई करेगा, यहाँ से लेके पूरे कॉलन तक की सफाई कर देगा। गैस एसिडिटी बन रही है क्योंकि शरीर में गंदगी जमा हुई है। आगे चल के तो एसिडिटी आदत बना लेता है, शरीर स्वतः निकालने लगेगा एसिड, अपने आप ही निकालने लगता है एसिड, आदत बना लेता है। उसके बाद आप फल खाइए। फलों में सबसे सर्वोत्तम है पपीता। पपीता पेट के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि पपीते में लुब्रिकेशन है और प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए पपीता सबसे बेस्ट है फूड। अन्य फ्रूट्स आप खा सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स को छोड़ के। पूरा दिन आप इसी पे रहें, सलाद खाएं, ठीक है। सलाद में तीन चार चीज़ों का सलाद आप खा सकते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, ठीक है। गोभी का सलाद नहीं खाना है, कई लोग गोभी का ही सलाद खाने लगते हैं, ठीक है। मूली का सलाद, मूली भी नहीं खाना है। तो पूरा दिन आपको कच्चे पे ही रहना है, रो पे ही रहना है। रात में मिलेट्स खाएं बना के। धीरे धीरे इससे क्या होगा कि सफाई होगी। और बार बार ये चीज़ें मत खाएं, इसमें भी गैप रखें। अब यहाँ आपका छोटा छोटा फास्टिंग हो रहा है। भूख अच्छे से लगे तो ही खाएं, मतलब बिना भूख के नहीं खाना है। बहुत से लोग तो इसमें भी ओवर ईटिंग कर जाते हैं, इसलिए एक चीज़ खाएं तो थोड़ा आगे गैप दें, ठीक है। ये हो गया छोटा फास्टिंग, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, छोटा फास्टिंग। और इसी को धीरे धीरे लंबा करें। सुबह सुबह फास्टिंग रिकमेंड किया जाता है, लेकिन गैस एसिडिटी वाले नहीं कर पाएंगे फास्टिंग, मुझे भली बातें पता है, क्योंकि जैसे ही खाली पेट रहेगा गैस बनाना शुरू कर देगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब्जियों का सलाद खाएं या फिर फ्रूट्स खाएं, डाल दें। पकाया हुआ भोजन नहीं करना है। सुबह सुबह यदि पकाया हुआ भोजन ही कर लेंगे तो बाकी आप फल फ्रूट सब्जियां जितना मर्जी डालते जाएं दिन में, वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि बैलगाड़ी आगे डाल दिया, सुपरफास्ट ट्रेन बाद में जा रही है। बैलगाड़ी किसको बोल रहा हूँ? पकाया हुआ भोजन क्यों बोल रहा हूँ बैलगाड़ी? क्योंकि उसको पचने में बहुत लंबा वक्त लगता है, 8-8, 9-9 घंटे,
और सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है, सब्जियों का सलाद है, फ्रूट है, ये बहुत जल्दी पचता है 2 घंटे में। अब जब इसको आपने पहले डाल दिया है, ठीक है, जो स्लो है, जो धीरे पचने वाला है, और जो फास्ट पचने वाला है उसको बाद में डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, वहाँ बैठ के फर्मेंट करेगा, फर्मेंटेशन होगा, फिर आपको डकारे आएंगे। तो इसलिए जो है हमें अपने शरीर को खाली रखना है। यदि जल्दी से सही रखना है तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली रखिए। मैं आज पूरी तरह से फिट हूँ, 100% फिटनेस अचीव करने के बावजूद मैं भोजन कम करता हूँ, भोजन में गैप देता हूँ, बढ़िया से स्नैकिंग नहीं करता हूँ, शाम को दोपहर को मैं 1 बजे अगर मिलेट खा लिया मान लीजिए, और शाम को मुझे 4-5 बजे फिर से भूख लगती है, लेकिन कुछ नहीं डालता हूँ, खाली, भूखा रहता हूँ उसमें, और शाम को फिर 7 बजे तकरीबन 6-7 बजे मैं आके मूंगफली खाता हूँ गुड़ के साथ। तो वहाँ जो भूखे रहा मैं, इन केस अगर कुछ इम्बैलेंसेस होगा, हालांकि है नहीं, वो उसको करेक्ट कर लेगा। इसलिए शरीर को खाली रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मेरा यूँ कह लीजिए 24/7 ही फास्टिंग है, यूँ कह लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का भोजन हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सुपाच्य हल्का भोजन, फल और सब्जियों का सलाद, मिलेट्स, ये सब अपने आप में ही क्लिनजिंग है, अपने आप में ही ये फास्टिंग है। तो आज हमने बात किया कि शरीर को खाली रखने का क्या महत्वता है, आज हमने बात किया उपवास पे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाए होंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।